आज टॉपिक डिस्कस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होती है, तो इसके अंदर हम दो एग्जांपल देखेंगे। आज हम पहला एग्जांपल देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। तो असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो होती क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। पहले हमने इससे पढ़ा था फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन सारी जो प्रोसेस थी जो रिप्रोडक्शन की, उसमें आपको क्या चाहिए था, एक मेल उसमें रिक्वायर्ड था और एक फीमेल उसमें रिक्वायर्ड थी। तो मेल के पास अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और फीमेल के पास अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, तो उनके थ्रू जो है फर्टिलाइजेशन होती है और चाइल्ड बर्थ लेता है, यानी कि एक न्यू चाइल्ड बोर्न होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट होता है जो चाइल्ड को बर्थ देता है, या कहें कि न्यू डेवलपमेंट करता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम एग्जांपल आज ले रहे हैं बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा का एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आप इसको कैसे देख सकते हैं, आप क्या कीजिए, एक हाइड्रा की जो स्लाइड्स ले लीजिए और उसको आप एक हैंड लेंस से या माइक्रोस्कोप से डेली उसको ऑब्जर्व कीजिए, टाइमली उसको ऑब्जर्व कीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मान लीजिए आपने ये जो है स्लाइड ली, उसकी जो हाइड्रा है आपने ये लिया। अब देखिए हाइड्रा जब आपने लिया तो इसके अंदर आपको इस तरह की जो है इस तरह का ये दिखेगा, लेकिन इसके कहीं किसी भी जगह आपको इस तरह की बल्जिस दिखेंगी। ये जो है इसको बोलते हैं बल्जिस, बल्ज बोलते हैं इसको, तो हम इसको बोल देते हैं बल्जिस। एक हो सकती है, इसी तरह से दो हो सकती हैं इसकी बॉडी के ऊपर। बल्जिस को आप क्या बोल सकते हैं, इस तरह की स्वेलिंग, राउंड स्वेलिंग आपको दिखेगी, इस तरह की राउंड स्वेलिंग आपको दिखेगी। यहाँ भी कहीं भी हो सकती है ये, और दो भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा हो सकती हैं, यानी कि तो कितनी भी हो सकती हैं। तो आपको स्टार्टिंग में ये बल्जिस दिखेगी। तो ये बल्जिस जब आपको दिखेगी तो आपको इसको रेगुलरली इसको मॉनिटर करना है। तो उसके बाद आप देखेंगे, जैसे जैसे आप इसको देखते जाएंगे, जो ये बल्जिज है ये क्या है, ये इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगी, ये बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये जो बल्जिज हैं, देखिए जो दूसरी फिगर में हमने ये जो लाइन लगाई है, सिर्फ ये पोर्शन इसका दिखाया है, ये नीचे वाला पोर्शन हमने यहाँ पे इसका दिखाया है बस। तो ये जो बल्जिज है ये डेवलप होनी स्टार्ट हो गई है। तो इसी तरह से आप कुछ टाइम बाद इसको देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, एक ये कम्प्लीटली न्यू बोर्न, यानी कि एक न्यू जो है जो चाइल्ड कहें वो जन्म ले लेगा। तो इसके अंदर क्या हुआ, देखिए एक पेरेंट था और एक पेरेंट ने ही चाइल्ड को बर्थ दिया। इस तरह के जो रिप्रोडक्शन होते हैं हम उनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और जो ये बजीज होती हैं जो डेवलप करती हैं न्यू इंडिविजुअल को, इनको हम बर्ड बोलते हैं। तो इनको बर्ड्स बोला जाता है, BUDS, बर्ड्स बोला जाता है। तो ये बर्ड्स का एग्जांपल आप यीस्ट में भी ले सकते हैं, जो पहले होता है, जो हमने पहले लिया था, या आप देख सकते हैं जो लोअर क्लासेस में होता है, यीस्ट का एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए ये सिंगल पेरेंट था, तो इसलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल दिया। अब ये जो न्यू इंडिविजुअल बना है बर्ड्स के थ्रू हाइड्रा में, तो इसलिए इसको बोल देते हैं बडिंग बोल देते हैं। तो इसलिए इसको बोल दिया बडिंग इन हाइड्रा। क्यों, क्योंकि जो न्यू इंडिविजुअल डेवलप हुआ है ये बर्ड से डेवलप हुआ है, तो इसलिए इसको बोल दिया बडिंग। तो ये तो है एक एग्जांपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल, जो कि होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही, तो देखेंगे कि वो क्या है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लोपे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।